दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ग्यारहवें अध्याय का बारहवां श्लोक विलक्षण है। पहले अर्थ समझ ले फिर उसकी विलक्षणता आपको बताऊं। संजय वर्णन करता है ये स्वरूप कैसा है प्रभु का। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता। यदि का अर्थ है अगर, जो इफ यदि दिवि सूर्य सहस्रस्य भाहा युगपत उत्थिता। दिवि आकाश में, सूर्य सहस्रस्य 1000 सूर्य का भाहा प्रकाश युगपत उत्थिता। युगपत एक साथ में साइमल्टेनियसली, उत्थिता उगे। एक सूर्य भी यदि क्लियर डे हो ना तो 10-10:30 बजे के बाद उसके सामने देखना मुश्किल होता है। समझ में? 1000 सूर्य यदि उगे आकाश में कितना प्रकाश होगा। सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्। वो 1000 सूर्य एक साथ में उगे तो जो प्रकाश होगा वो प्रकाश शायद कदाचित इस समय भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप में जो प्रकाश अनुभव हो रहा है उसके समान, मे बी क्लोजर टू इट प्रोबेबली हो। यहां यदि शब्द से इम्पॉसिबिलिटी बताने का प्रयास किया है। यदि शब्द जिस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है ना वही अर्थ में आता है कि यह हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इस श्लोक की महत्ता यह है प्रिय स्वजनों, विश्व में सबसे प्रथम एटॉमिक एक्सप्लोजन जब किया गया वो इसी राष्ट्र में अमेरिका में जहां हम बैठे हैं, वहां जब किया गया और उसका प्रकाश जो देखा, तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर गीता के अभ्यासु थे, उन्होंने वो देखा जो बहुत दूर से देखा, दिख से तो देख नहीं सकता एटॉमिक एक्सप्लोजन को, लेकिन वो प्रकाश जो उन्होंने देखा उनको भगवद गीता के इस श्लोक का स्मरण हुआ। 11वें अध्याय के बारे में इट इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, आप गूगल कर सकते हैं। जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाट डिड यू फील,
विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार थी एटॉमिक एक्सप्लोजन का। उन्होंने कहा भगवद गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक मुझे याद आ रहा है, जब विश्वरूप का दर्शन करते हुए संजय ने वर्णन किया, 1000 सूर्य यदि एक साथ में उगे तो उस समय जो प्रकाश होगा शायद इसके समान होगा। ये घटना बहुत बड़ी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को एटॉमिक एक्सप्लोजन को देखते हुए गीता के विश्वरूप दर्शन का वर्णन करता हुआ श्लोक याद आ जाए। सूर्य का प्रकाश भौतिक प्रकाश है, फिजिकल लाइट। विश्वरूप का जो प्रकाश है वो दैवी है, डिवाइन। भौतिक प्रकाश चाहे कितना भी ल्यूमिनस हो वो कभी दिव्य प्रकाश की तुलना में आ नहीं सकता। भगवान तेजस्वी है, ये परमात्मा का स्वरूप। विश्व भर में जितने भी अलग 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 लोगों को परम तत्व की अनुभूति हुई है उसमें जो कॉमन कंक्लूजन उन्होंने लिए हैं उनमें ये एक है, अभी तक किसी ने प्रभु को अंधार में नहीं देखा, अंधेरे का मैं नहीं देखा। सभी ने, जहां आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी प्रकार की उपासना उस व्यक्ति ने की हो, हमेशा जब परम तत्व का अनुभव हुआ है, द सुप्रीम एक्सपीरियंस हुआ है, इट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ लाइट। तमसोमा ज्योतिर्गमय। एक भक्त, एक उपासक अभी तक आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा मुझे भगवान का अनुभव अंधेरा था। बिना नरेश श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है, प्रागट्य हुआ है मध्यरात्रि में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि, घना अंधेरा, हाथ को हाथ सूझे नहीं इतना अंधेरा। लेकिन जब प्रभु प्रकट हुए तो कंस का वो प्रसूति कक्ष जहां प्रदेव की वसुदेव को बंदीवान बना के रखा गया है उसमें दिव्य तेज 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 छा गया। परमात्मा तेजो में है, ईश्वर का अनुभव प्रकाश में होता है। इसलिए तो जब किसी व्यक्ति को अंधेरे में रखा जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो ऊर्जा नहीं मिल रही उससे, परम तत्व से मानो उसका संबंध छूट जाता है। प्रकाश में परमात्मा का अनुभव। प्रथम जो था 10 और 11वें श्लोक में भगवान का जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है वो दिखाया, संजय ने जो वर्णन किया है उसमें। इसलिए 10वां अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्या, ये देखो दिव्य आभरणम, ये सब ऐश्वर्य है। दिव्यानेकोद्यतायुधम, उठाए हुए दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंधन का गंध का लेप, चंदन का लेप, ये सब ऐश्वर्यमय है। अब मानो ये भगवान के दर्शन का दूसरा तर्जन कर रहा है। दूसरा जो पर्दा है वो कौन सा है? प्रकाश उठा रहा है। प्रिय स्वजनों, साधना के पथ पर परम तत्व की जो अनुभूति होगी वो पहली अनुभूति डिविनिटी की होगी, ऐश्वर्य की होगी। ओ गॉड, आपके जितना कोई सुंदर नहीं है। हे प्रभु, आपके जितना कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। मेरे प्रभु बड़े सुंदर है, मेरे प्रभु के वस्त्र सुंदर है, मेरे प्रभु की मोरपंख बड़ा सुंदर, जो भी है प्रभु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये ऐश्वर्य है। अध्यात्म पथ पर दूसरा बहुत बड़ा पड़ाव आता है, द
तब आप केवल वो ऐश्वर्य में उलझते नहीं, वो महत्वपूर्ण था जिससे एक बॉन्ड निर्माण हुआ। अब जब प्रगति होती है तो परम तत्व का अनुभव प्रकाश के रूप में होने लगता है। इसलिए वेद के ऋषियों ने सूर्य की उपासना की, जहां जहां प्रकाश देखा चंद्र की उपासना की, अग्नि की उपासना, ये सारे प्रकाश के स्रोत हैं। All these are source of light and energy. यज्ञ भी किया तो अग्नि की उपासना। वेद त्रयी का निष्कर्ष जो है गायत्री मंत्र, उसमें भी जो उपासना है वो प्रकाश की उपासना। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य, भर्गः तेजस्वी एफल्जेंट, उस देव का हम ध्यान करते हैं जो प्रकाशमान, और वो प्रकाशमान तत्व धियो यो नः प्रचोदया, वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे, प्रेरित करे। अध्यात्म मार्ग भी बहुत बड़ा पड़ा है, और प्रकाश की स्थिति में जब आप पहुंचते हो तो सारे आकार आपको एक लगने लगते। Then you are not fighting over the forms. You are not confused in the names and rituals. तो एक स्थिति में जो लोग राम बड़े की कृष्ण, हम माता जी की उपासना करें या महादेव की उपासना करें, ये बड़े या बड़े, ये दूसरों के बड़े की चर्चा करने जब जाते हो ना, तो तुम कितने छोटे हो वो पता चलता है। हम कौन होते हैं राम को या कृष्ण को बड़ा करने वाले? जज बन के हम बैठ गए राम बड़े या कृष्ण बड़े, हमारे गुरु बड़े या तुम्हारे गुरु बड़े, होते कौन हैं हम ये सब करने वाले? पता नहीं व्यक्ति को ये सेल्फ अपॉइंटेड जज की कुर्सी पे बैठ जाना इतना अच्छा लगता है, वो तुरंत करने लगता है, लेकिन ये सब जब करने व्यक्ति जाता है तो वो खुद कितना छोटा है वो पता चलता है। अध्यात्म के क्षेत्र में दूसरा पड़ाव आता है जब प्रकाश दिव्य सूर्य सहस्त्र से, लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ विजडम, light of understanding. तो ऐसा भव्य स्वरूप तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा, संजय कहता है तत्र एकस्थं, वहां पर तदा देवदेवस्य तत्र शरीरे पांडवः प्रविभक्तं कृष्णं जगत् एकस्थं अनेकधा अपश्यत्। अर्जुन ने भगवान के शरीर में, श्रीअंग में अलग अलग रूप वाले, प्रविभक्तं अलग अलग रूप वाले, लेकिन संपूर्ण जगत को कृष्णं जगत् एकस्थं, एक साथ में, एक भाग में रहा हुआ देखा, अनेकधा अपश्यत्, अनेक प्रकार से देखा। ग्यारहवें अध्याय का पुस्तक आपके पास है, देखिए ग्यारहवें अध्याय के सातवें श्लोक में स्वयं भगवान ने वर्णन किया था, यह एकस्थम जगत कृत्स्नम। देखा भगवान सब जब स्वयं वर्णन कर रहे थे, आठवें श्लोक में दिव्य चक्षु दिए, लेकिन सातवें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तो देख इहैकस्थं जगत् कृष्णं, पूरा संपूर्ण विश्व यहां पर एक हिस्से में, एक भाग में तो देख। वही बात को दोहराते हुए संजय कहता है तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं, श्री कृष्ण कह रहे थे, उन्होंने कहा इह, यहां, संजय वर्णन करेगा तत्र, वहां, लेकिन एकस्थं जगत् कृष्णं ये बात सामान्य, संपूर्ण जगत को एक हिस्से के समान, एक भाग के समान देखा। इसका अर्थ क्या हुआ,
श्री कृष्ण जब कहते हैं कि यही कस्थम जगत कृष्णम और वर्णन करते हुए संजय कहता है तत्रही कस्थम जगत कृष्णम, इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन ने वही देखा जो श्री कृष्ण ने दिखाया। ये प्रमाण मिल गया। यदि वहां कुछ कम ज्यादा होता तो संजय ये नहीं बोल सकता था तत्रही कस्थम जगत कृष्णम। तो यहां पर एक्सप्रेशन में और एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं है। अर्जुन ने वही अनुभव किया जो भगवान श्री कृष्ण उसे देना चाहते थे। प्रिय स्वजन, यही दिव्य दृष्टि है। पूर्ण समर्पण जब हो जाता है, अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, ईगो जब निकल जाता है, तो जीवात्मा वही पाता है जो परमात्मा उस पर कृपा करना चाहता है। बीच में जब ईगो का फिल्टर आ जाता है ना, तो फिर वो नहीं मिलता जो वो देना चाहता है, वही पाते हैं जो हम लेना चाहते हैं। ये फिल्टर आ गया, उस फिल्टर को यदि हटा दें, किसी महापुरुष के पास जाए और आप उनसे कहें हमें ये सुनाओ, ये ईगो है ना, हमें ये सुनाओ, हम ये सुनना चाहते, तो इसका अर्थ आपने क्या पाया जो आप चाहते थे? सच पूछो तो महापुरुष के पास जाकर ये कहो जो हमारे लिए अच्छा है, जो आपको ठीक लगे वो बताओ, तो आप वो पाओगे जो वो देना चाहता है। लेकिन हमारा तो हम तय करेंगे, वी विल डिसाइड, वी विल। भक्ति मार्ग में ईगो बहुत वो कांटे की तरह चुभता है, हम तय करेंगे। यही कस्थम जगत कृष्णम 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में और यहां 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में संजय वर्णन करता है तत्रही कस्थम जगत कृष्णम। अर्जुन ने वही अनुभव किया जो भगवान दिखाना चाहते। बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, बुद्ध जब प्रवचन करते तो प्रत्येक बात को तीन बार कहते। कोई कठिन सिद्धांत हो उसको समझाने के लिए तीन बार कहना पड़े, बात समझ में आती है। लेकिन सरल बातें भी यदि हो तो बुद्ध तीन बार बोलते। आनंद ने एक बार पूछा कि तथागत यू आर वेस्टिंग टाइम, कोई सिंपल बातें हैं वो भी आप तीन बार क्यों कह रहे हो, समझ में आ गई ना एक बार कहने से? बुद्ध कहते नहीं, एक बार सुनकर केवल भ्रम निर्माण होता है कि समझ में आ गया, गारंटी नहीं दे सकते कि समझ में आ ही गया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है अधिकतर समय मनुष्य केवल अपनी मान्यताओं का ही समर्थन कर रहे, ही इज जस्ट री इन्फोर्सिंग हिज ओन बिलीफ्स। तो पहली बार सुनकर तो व्यक्ति केवल अपनी हाँ हाँ ये मैं पता ही हाँ इट साउंड्स गुड, केवल अपनी मान्यताओं का समर्थन किया। बुद्ध कहते हैं मैं आपकी मान्यताओं का समर्थन करने नहीं आया हूं, मैं आपके लिए जो कल्याणकारी है वो बताने आया हूं, इसलिए मैं दूसरी बार कहता हूं, तीसरी बार शब्द का थोड़ा खेल करते हूं। तो बुद्ध रिपीट नहीं करते थे, थ्रीपीट करते थे, तीन बार कहते थे। और वो तीन बार कहकर भी बुद्ध कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप वही सुनते हो जो मैं कहना चाहता हूं, अर्थ तो आप अपने लिए कर जाते हो। तत्रही कस्थम जगत कृष्णम, पहले ऐश्वर्य फिर प्रकाश और उसके बाद ततस्थ विस्मयाविष्ट। संजय वर्णन करता है 14वें श्लोक में ततः धैन स अर्जुन विस्मयाविष्ट, विस्मय से गिर गया है, हृष्ट रोमा
उसके रोंगे रोंगड़े खड़े हो गए, रोंगे पुलकित हो गया वो धनंजय। ऐसा वो अर्जुन देवम शिरसा प्रणम्य, भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है और कृतांजलि दोनों हाथ जोड़कर अभाषत कहने लगा। अर्जुन विस्मयान्वित हुआ है, ये स्वजन मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, विस्मयान्वित होना, विस्मयाविष्ट, विस्मय। बालक के पास होता है विस्मय, मैं इंग्लिश शब्द ढूंढ रहा हूं विस्मय का, लेकिन मिल नहीं रहा। देखिए एक कुतूहल होता है, इंक्विजिटिवनेस, वो तो बाद में होता है, लेकिन सबसे पहला जो है ना वो विस्मय। वो तो कॉम्बिनेशन करना मुझे भी आता है और मैं वही कर रहा हूं, शब्दों का तिजोरस तो प्रभु की कृपा से मेरे पास, परमात्मा ने वो फीड इन करके भेजा है। विस्मय जो है वो क्यूरियोसिटी के साथ एक ऑफ जो होता है ना, और केवल क्यूरियोसिटी के साथ ऑफ नहीं, उसके साथ एक रिस्पेक्ट, वो तीनों मिल के विस्मय होता है। विस्मय में डर नहीं है, विस्मय में एक आकर्षण होता है, और मैंने जो कहा कुतूहल, क्यूरियोसिटी या इंक्विजिटिवनेस, वो स्टेज बाद में आती है, वो क्या है, वो उसको एनालाइज करने की प्रक्रिया, तब थोड़ा विस्मय का सौंदर्य खत्म हो जाता है। कोई बालक अपने माँ के अपने पिता के चेहरे को देखे, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बालक, अपने देखा है उसकी आंखों को, वो विस्मय है। द चाइल्ड इज नॉट एनालाइजिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये अच्छी है बुरी है सुंदर है नहीं है क्या है कैसी, कुछ नहीं, बस वो क्या है, आकाश में चंद्र है तो है बस। फिर 4-5 साल होने के बाद जो ब्रेन सेल की एक्टिविटी शुरू होती है ना, तो वो विस्मय के ऊपर फिर इंक्विजिटिवनेस शुरू है, कैसा है क्या है क्यों है, ये फिर बिगाड़ शुरू हो गया, प्रदूषण शुरू, उसमें फिर बुद्धि आ गई, मुझे लगता है ये है, उसने तो पूरा खेल खराब कर दिया। मुझे विस्मय, इसलिए देखिए हम सभी को बालक की आंखें बहुत पसंद है, उसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, ऑफ रिस्पेक्ट लव, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मनुष्य की यदि वो बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ती समझदारी के साथ विस्मय को टिका सके। चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ, क्योंकि अब जरा शांति से सोचना, किसी भी वस्तु का विस्मय से देखो, ये पुष्प है, मैं विस्मय से देखूं तो कितना आनंद आता है उसमें, लेकिन जैसे ही व्यवहार अंदर घुस गया, कौन सा है, कौन से गार्डन से आया होगा, कितने का आया होगा, खराब करी ना क्यों बदलो, अब उमंग
उनकी एग्जाम आप पूछे, मैंने एग्जाम्पल आप पूछ, कितना खराब कर दिया इसको। अब बालक कभी ये सोचेगा कितने का आया होगा? ये है जो है वो सुंदर है। विस्मय दिखाए रखो। हमारा क्या है कि हम सीधा ही, जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, कोई वस्तु आती है, कोई विचार आता है, कोई परिस्थिति आती है, हम सीधे अपने ईगो की कैची लेकर के उसको आड़ा टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे काटने लगते हैं, डाइसेक्शन करके, डाइसेक्शन में नहीं, पहले तो उसको मारकर पोस्टमार्टम करते हैं। वी जस्ट किल द एक्सपीरियंस। महापुरुषों के जीवन में कोई भी अनुभव को, कोई भी घटना को खत्म मत कर दो, अपनी ईगो की कैंची चला के उसको मत करो। अच्छा हो कैसे? अरे बहुत अच्छा हो कैसे? अरे बहुत आनंद आया। भगवान के विश्वरूप का दर्शन करके ततस्व विस्मयाविष्ट। मैं जानता हूं प्रभु ने आपको बहुत बुद्धि दी है, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, आपने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन भगवद गीता की व्यासपीठ से करबद्ध मैं प्रार्थना करता हूं, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, इफ यू वॉन्ट टू बी एट पीस, इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये विस्मय की भावना खड़ी करें। बहुत एनालिसिस न करें, कोई फायदा नहीं। कौन सुनता है हमारे? इन माई ओपिनियन, घर में रख तेरा ओपिनियन। Who cares? तेरा ओपिनियन तेरी घरवाली नहीं मानती, दिमाग खा जाती है अपना ओपिनियन तेरे पे थोपने के लिए। Who cares? छोड़ो ये सब ओपिनियन, ये एनालिसिस, ये सब पोस्टमार्टम। जस्ट एंजॉय विस्मया। एक चाइल्ड लाइक, हमारे भीतर वो एक बालक हमेशा जीवित रहना चाहिए। व्यक्ति जो बड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, उसके भीतर का बालक मर जाता है। और जितने जल्दी बालक को मार डाले अंदर का, लोग कहेंगे बहुत चालाक हो गया अभी, नाउ ही इज क्लेवर। बहना नरेश, IQ 10-11 है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो कहता हूं ये बहुत कम लोगों को ये नसीब होती है 10-11 की IQ। छोड़ो नहीं चाहिए वो 120 वाली, जो दुनिया को, स्वयं को परेशान करे, दुनिया को परेशान करे। क्या करना है उस IQ को? विस्मया रुष्ट रोमा, रोंगटे खड़े हो गए। ये भी आश्चर्य का ही स्वरूप है। और धनंजय, जब जब भी गीता में अर्जुन के लिए धनंजय शब्द प्रयोग किया गया है, हमने उसका अर्थ समझा है। महाभारत में तो कारण यह है, अर्जुन का नाम धनंजय इसलिए पड़ा कि उत्तर दिशा में जाकर के वो बहुत सारा धन जीत कर लाया था। धनंजयति इति धनंजय, वन हु विंस द वेल्थ। बहुत सारी संपत्ति जब राजसूय यज्ञ करना था उस समय अर्जुन ले आया था, तब से उसका एक नाम पड़ा धनंजय। लेकिन यहां पर जो कहा धनंजय क्यों? सांसारिक संपत्ति तो कोई भी कहीं भी जाकर ले आता है, लेकिन यहां पर अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा है कि वो करोड़ों अबजों जीवों में किसी किसी को ही जो ये प्राप्त होता है ऐसा परमात्मा के दर्शन की संपत्ति पा रहा है, ईश्वर के विश्वरूप का अनुभव कर रहा है। कितने लोग ये भाग्य को प्राप्त करते हैं? टू बी फेस टू फेस विद गॉड,
इससे बढ़कर कोई संपत्ति हो नहीं सकती जो अर्जुन को इस समय प्राप्त हो रही है। इसलिए धनंजय प्रणम्य शिरसा देव, परमात्मा के इस ऐश्वर्य को, परमात्मा के इस प्रकाशमय स्वरूप को दर्शन करके झुकाना पड़ा नहीं, मस्तक झुक गया अपने आप। प्रणम्य शिरसा, केवल प्रणम्य भी कह सकते थे, प्रणाम करके नहीं, शिरसा प्रणम्य मस्तक झुका। और कृतांजलि रभाषत, मस्तक झुक गया, हाथ जुड़ गए, प्रणाम भी अपने आप हो गए। और अर्जुन कहने लगा, क्या कहने लगा अर्जुन, कल लिखेंगे। अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन अब कल क्या अनुभव आपको होता है परमात्मा के इस विश्वरूप का दर्शन करते हुए, तो अर्जुन के अनुभव का हम कल दर्शन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम।